आपको पता है कि मैंने आपको बोला ही था कि यार मैंने भैंसों का जो है ना शेड वगैरह बनवाना था, तो लकड़े वगैरह लेने थे, ये बांस के लकड़े, यहाँ पे शादी के बाद आया हुआ था, तो फाइनली मैंने तो ले लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला का फजल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। जिस भाई ने, जिस दोस्त ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर करते हैं आज का मज़ेदार सा व्लॉग स्टार्ट। अभी जा रहा हूँ जी मैं घर पे, क्योंकि लेट हो गया हूँ बहुत ज़्यादा, तो ये रेडी यहाँ पर खड़ी करके ना पहले खैर से होके आते हैं। तकरीबन ख़त्म का टाइम हो गया, तो जल्दी जल्दी मैं जा रहा हूँ। जनाब क्या हाल है, आ जाओ। तो ये पहुँच गया हूँ मैं वहाँ पर ख़त्म पर, तो चलते हैं फिर उसके बाद आपसे मुलाकात होती है। कोल खानी से वापस आ गई हूँ। तो अम्मा सैन की जो उम्र थी तकरीबन 100 साल के करीब थी, तो वफात पा गई। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें और उनको अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके अलावा इन को भी सब्र जमील अता फरमाए। तो आप भी दुआ फरमा दीजिएगा। व्यूअर ये लग गया छापा जी, सुबह सुबह बाप और बेटी जो है ना सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हैं। ये वैसे बंदा जो है ना नाश्ता सुबह सुबह नहीं करता, बहुत देर बाद करता है, लेकिन आज अपनी बेटी को लेके नाश्ता करें। नहीं भाई मैं खैरियत खा के आया हूँ, वहाँ पे बनी हुई थी खैरियत, हमारे साथ भी खा लिया करो यार। बस मेहरबानी आपकी, थैंक यू। माशाल्लाह जी अपनी शहजादी के साथ जी खाना वो सॉरी नाश्ता कर रहे हैं, मेहरबानी। बीबर आपको पता है कि मैंने आपको बोला ही था कि यार मैंने भैंसों का जो है ना शेड वगैरह बनवाना था, तो लकड़े वगैरह लेने थे, ये बांस के लकड़े, यहाँ पे शादी के बाद आया हुआ था, तो फाइनली मैंने तो ले लिए हैं। साइज वगैरह सब कुछ एस्टिमेट हो गई है, और जो रखे फटे रखे वाला है वो निकल गया है चौक से यहाँ से शादी के बाद से, तो वो सुबह आएगा तो खुद लेता जाएगा, तो इसी वजह से मैं शादी के बाद आया हुआ था। थोड़ा बहुत और काम भी है तो भाई से लिए हैं, माशाल्लाह इन्होंने कोऑपरेट किया अच्छा। तो अगर आपने भी लेने हो तो यहाँ पे आ जाएं, ये है जी दुकान का नाम, लेकिन तो इंशाल्लाह आपको कामों के साथ देंगे जी। तो चलते हैं फिर आगे, और भी काम है साले के बाद वो करते हैं। ये है लक्कड़ मंडी माशाल्लाह, देखें ये यहाँ से लिए हैं जी मलिक शरीफ बरादर से, तो इंशाल्लाह फिर सुबह लेके आएगा रस्ते फटे वाला, जब आएगा शॉप शादी के बाद बात आएगा। अभी हो गया है बस, इस शैतान के काम चेक करो, मेरे जूते में पता नहीं क्या रखा हुआ है इसमें, देखो 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 इसके काम हैं। ओए तेरी खैर, नहीं मारना, कुछ भी नहीं करना, नहीं। बार अभी अभी घर पहुंचा हूं शादी के बाद से, तो सामान कुछ लेके आया था खाने पीने का, तो मैंने कहा चलो अपने घर वालों को कुछ खिला पिला दूं यार, अम्मी भी कह रही थी कि मीठा कुछ खिलाएं, तो मैं लेके आया हूं फ्रूट। तो आज बनाने जा रहे हैं हम क्रीम चाट, तो क्रीम चाट आपको दिखाएंगे किस तरह बनाता हूँ मैं, तो आपने वीडियो के अंदर ही रहना है। तो ये हैं जी फ्रूट, ये अंगूर हैं, ये केले सेब वगैरह, और ये हमारे पास है एक उमंग की जो है ना क्रीम चाट, क्रीम सॉरी, तो इससे बनाते हैं क्रीम चाट फिर। ये अभी अभी केले काटे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं माशाल्लाह। उसके बाद फिर हम ये अभी सेब काट रहा हूँ जी,
किशमिश, क्या बात है, कमाल की बनी है कि नहीं चेक कर तो वैसे ली है, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ माशाल्लाह उमदा किस्म की बनी है। तो ये जो सारी की सारी रखी हुई है, नीचे दिखाओ भाई, नीचे दिखाओ, सारी फैमिली को मैंने बांटनी है। ये तकरीबन हो जाएंगी 9-10 प्लेटें। ऊपर मुझे भी दिखाओ अब रिवर्स जी। अगर मैं बाज़ार में जाता, बाज़ार से लेके आता, तकरीबन मेरे तो 1,000-2,000 लग जाते, लेकिन ये मेरा 300-400 में काम हो गया है माशाल्लाह। आप पूरी फैमिली टना टन खाएगी और मज़े करेगी इंशाल्लाह। इसी ब्लॉग, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, लाइक शेयर लाजमी किया करो यार, मुझे फॉलो करें यार, मेरे पेज को फॉलो करें अगर पेज फेसबुक पर आए, अगर आप यूट्यूब पर आए मेरे चैनल पर तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मुझे यार सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। आप जिस तरह ये मीठा जिस तरह ये मीठी है और लजीज है, इसी तरह आप भी मुझे मीठे लगते हो, लेकिन आप थोड़े से खट्टे इस वजह से लगते हो, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे यार। सपोर्ट किया करें, आपको अच्छे अच्छे व्लॉग इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे, जहाँ भी हैं हंसते और मुस्कुराते रहें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।